हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल खाना खजाना रेसिपी में। आज हम बनाएंगे आम का एक नई रेसिपी। यहाँ हमने आम लिए, इस तरह से इसे काट लेंगे। अब इसका इसी तरह से हम सारे निकाल कर रेडी करेंगे। अब हमने सारे आम को निकाल लिया, तो इसे मिक्सी जार में हम डालकर बिना पानी डाले पीस कर ले लेंगे। यहाँ पर हमने इसे पीस कर ले लिए हैं, तो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमने एक कप के करीब पानी ले लिए हैं। अब इसमें हम एक चम्मच के करीब जेली पाउडर डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। गैस को ऑन कर लेंगे, ऐसे 10 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पे मिक्स हो चुका है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने आम का पल्प निकाल कर रखे हैं, ये डाल देंगे और मिक्स करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। ये देखिए पक चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से बर्तन है, इसमें डाल देंगे और इसे फ्रिज में 1 घंटा के लिए रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने पर। यहाँ पर हमने पानी उबलने के लिए रख दिए थे। यहाँ पर हमने 1/2 कप साबुदाना लिए हैं, ये डाल देंगे। साबुदाना को हम 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसमें हल्का सा हम फूड कलर डालेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे छान कर ले लेंगे। यहाँ पर हमने कोकोनट मिल्क लिए हैं, आपके पास ना हो तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, तो ये डाल देंगे इसमें। अगर आप लोगों को ज़्यादा चीनी खाना पसंद है तो 2 चम्मच चीनी और दूध में डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने साबुदाना को इस तरह से छान कर ले लिए हैं। यहाँ पर दूध गर्म हो चुका है, तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमने जो आम का बना कर रखे थे, जम चुका है, तो इसे हम काट लेंगे। तो इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे काट कर ले लिए हैं, हमने इसे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, अब इसमें जो आम का हम बना कर रखे हैं, ये डाल देंगे। और ऐसा साबुदाना डाल देंगे।
अब जो दूध हमने नारियल का गर्म करके रखे थे ये डाल देंगे इसमें। अब इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए ये बनकर रेडी है। एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अगर आप दीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में।